Assalamu alaikum students, I hope you are fine. On behalf of ISES school system, allow me to extend a warm welcome to all of you. Let me briefly explain myself. My name is Ms. Nabila from ISES school system online learning. I am your chemistry teacher. I am delighted to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding chemistry. Class 9th, chemistry, lecture number 2. We are on unit number 1, fundamentals of chemistry. Previous lecture, book reading, page number 8. Page number 8 आपका यहाँ तक ही होगी और remember on book is oral test जो आपका table emergency आपको याद हो गया होगा. जो आप लोगों का remember मैंने आपको task दिया था वो आप लोगों को ने prepare कर लिया होगा. I hope so. काम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंपाउंड्स पढ़े थे. कंपाउंड्स कैसे बनते थे, दो एलिमेंट को मिला के केमिकली रिएक्शन करते थे तो कंपाउंड बन जाते थे. वाटर था, उसका H2O था, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना था. इस तरह ही सारे थे, लोगों सारे पढ़े थे. फिर हम लोगों ने ये कॉमन साल्ट के बारे में पढ़ा था. साल्ट जो होता है वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड होती है, रेत होती है, फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास कास्टिक सोडा होता है, ये फिर वॉशिंग सोडा होता है, फिर हमारे पास कोई लैम लैम हमारे पास चूना होता है, लैम स्टोन चूने का पत्थर. ये हम सब ने सारे पढ़े थे. शुगर पढ़ा था, ये शुगर के बारे में पढ़ा था, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में भी पढ़ा था, फिर अमोनिया. आप आई होप सो आप लोगों को ये टेबल याद हो गया होगा कि किस तरह केमिकल फॉर्मूले आए थे, दो एलिमेंट मिला के ना बने थे. नाउ वी आर ऑन एन टॉपिक मिक्सचर. मिक्सचर क्या होते हैं? कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि वो टू और मोर एलिमेंट को मिला के बनते हैं. अब है व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड मिक्सअप. कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट ऑलरेडी मिक्सअप हुए हुई है. कंपाउंड ना दो एलिमेंट ना, हम लोग पीछे कंपाउंड क्या पढ़े, दो एलिमेंट मिक्सअप होके कंपाउंड बना है. अब ना एलिमेंट, एक एलिमेंट लिया और एक कंपाउंड, दो वाली फॉर्म, इनको मिक्सअप कर दिए फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो. मतलब फिजिकली मिक्स कर दिया, कोई फिक्स रेशियो नहीं ली, ऐसे मिक्स कर दिए. और ना कंपाउंड में बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग फिक्स रेशियो से ही कंपाउंड बनते हैं. तो दे फॉर्म अ मिक्सचर, मतलब एक चीज़ हम लोगों ने एक और अलग चीज़ उठाई है, एक और चीज़ अलग उठाई है और इन दोनों का मिक्सअप कर दिया. जैसे मैं आपको बताती हूँ मिक्सचर की एग्जाम्पल. जैसे मैंने आपको कंपाउंड का बताया था कि कंपाउंड दो एलिमेंट है, मतलब दो चीज़ें हैं. तो दो चीज़ें थी हम लोगों का, एक मिल्क था और एक हम लोगों के फ्रूट्स थे. तो हम लोगों ने इन दोनों को कंबाइंड टुगेदर किया था, मतलब शेक हुई, तो हमारे पास शेक बन गया था. केमिकल आप सोच ले कि ग्राइंडर किया तो ये केमिकली रिएक्शन हो गया. तो ये दो चीज़ें बन गई थी. अब ना इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की है विदाउट एनी फिक्स रेशियो, कोई मकदार नहीं ऐसी, कोई इतनी ज़्यादा अगर हम शुगर उसके अंदर ऐड कर ले तो, मतलब शेक के अंदर शुगर ऐड कर ले तो ये मिक्सचर बन जाएगा. या आप लोग इस तरह माइंड में रख लो कि मिक्सचर किस तरह बना. अब है ऑन मिक्सिंग अप द कंपाउंड सब्सटेंस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी. मतलब ये ना लूज नहीं करेंगे. कंपाउंड्स में जो होता है हमेशा लूज देयर ओन प्रॉपर्टी करती है, लेकिन जो होता है ना मिक्सिंग में, मतलब मिक्सचर में ना कभी भी ये अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करते, मतलब रिटेन कर लेते हैं. रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी. द मिक्सचर कैन बी सेपरेट इन टू पेरेंट कंपाउंड बाई फिजिकल मैथड. मिक्सचर सेपरेट भी हो सकते हैं बाय फिजिकल मैथड सच एज, अच्छा ये डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, एवेपोरेशन है, क्रिस्टलेशन है, मैग्नेशन है, ये हम मैग्नेटलेशन है. ये हमारे पास ना ये चार पांच नहीं, ये और भी बहुत सारी हमारे पास होती है ना. ये हमारे पास मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं. और ना उसमें ना हम लोग चीज़ों को अलग करते हैं. फिल्ट्रेशन में हम लोग चीज़ें जैसे होती नहीं है, जैसे हमारे पास कोई चीज़ है जैसे वाटर है, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है. इम्प्योरिटीज़ और प्योरिटीज़ के बारे में पीछे पढ़ा था.
इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस। अब ना जो हमारे पास इम्प्योर, जो हमारे पास फिल्ट्रेशन होती है ना, उसमें जैसे वाटर है, पानी है, उसको ना हम लोग फिल्टर करते हैं, मतलब ना उस फिल्टर लगा देते हैं, और इनमें से जो उसमें जो गंदे गंदी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे पास निकल जाती है, मतलब ना फिल्टर हो जाती है और हमारे पास साफ पानी आ जाता है। इस तरह एवेपोरेशन का प्रोसेस था। एवेपोरेशन के प्रोसेस में हम लोगों का स्टीम होता है और फिर वेपर वेपन्स बनते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। इस तरह फिर क्रिस्टलेशन और मैग्नेशन, और ये मैग्नेशन जो होता है वो हमारे पास मैग्नेट से, मतलब उनके प्रोसेस होते हैं। ये सारे प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस है, और भी आप आगे बहुत सारे पढ़ोगे। मिक्सचर डैट हैव यूनिफॉर्म कम्पोजिशन थ्रू आउट आर कॉल होमोजीनियस मिक्सचर। ये मिक्सचर जो यूनिफॉर्म हो गए वो हमारे पास होमोजीनियस बनाएंगे, वेयर हाइड्रोजन जो हो गए ना वो हमारे पास नॉट यूनिफॉर्म हो गए थ्रू आउट। यूनिफॉर्म मतलब सेम, जैसे एयर है, गैसोलीन है, स्टीम है, ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। इस तरह ही ना सॉइल, रॉक और वुड है ना, वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है। ये आप लोगों ने हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सॉरी, ये आप लोगों ने पीछे भी रीड किया था, जो मिक्सचर के आगे ना कि मिक्सचर जो यूनिफॉर्म कम्पोजिशन होती है वो हमारे पास होमोजीनियस होती है, जो हमारे पास जो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती, वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। नाउ यू आर ऑन पेज नंबर 9, टर्न योर पेज। एयर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ, अब इन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दिए, डू यू नो, अगर आपको पता है तो एयर जो है ना वो इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर्स। ये जो एयर है ना वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, वो भी बहुत सारी मिक्सचर है। अब देखे वाटर है, वाटर हमारे पास कंपाउंड था, H2O था, ये हमारे पास पहली कंपाउंड था, और वो फिर मिक्स अप होके बनना है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से मिलके, ये सारी चीज़ें मिलके, मतलब और एलिमेंट्स को ऐड किया तो हमारे पास मिक्सचर बन गया। एक नहीं, एक से ज़्यादा एलिमेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ डाले, टू और मोर एलिमेंट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। सोइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड है, क्ले है, मिनरल सॉल्ट है, वाटर और एयर है। जो सोइल होती है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। जो मिल्क है वो भी हमारे मिक्सचर ऑफ वाटर है, शुगर, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, सॉल्ट एंड विटामिन, बहुत सारी चीज़ों का मतलब मिक्सचर होके बनना है। ब्रास है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल, ये भी हमारे पास एक मेटल ही है। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर और मेटल्स का ना, कॉपर जो होती है वो हमारे पास, वो भी हमारे पास धातु होती है, वो मेटल होती है और जिंक। अब इन्होंने कहा है डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड मिक्सचर, अब इनका डिफरेंस करें। कंपाउंड है एक तरफ, मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था जो कंपाउंड होते हैं दो एलिमेंट का मिलकर बनता है, जो मिक्सचर होते हैं वो एक कंपाउंड और उससे आगे एलिमेंट ऐड करते हैं तो तब मिक्सचर बन जाता है। अब कंपाउंड में है, इट इज़ फाउंड बाय अ केमिकली कम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड ऑफ द एलिमेंट्स, और जो मिक्सचर है इज़ फाउंड बाय अ सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस। वही डेफिनेशन पहले ऐड कर लें, दी कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड ऑइंस अ न्यू सब्सटेंस, ये हमारे पास लूज कर लेते हैं और ये हमारे पास अपनी आइडेंटिटी लूज कभी भी नहीं करेंगे। मिक्सचर द प्रॉपर्टी ऑफ द मतलब ना जो मिक्सचर है ना वो अपनी प्रॉपर्टी कभी भी लूज नहीं करेगी। आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि एक जो कंपाउंड है वो अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो खो देते हैं, और ये जो है ये नहीं खोते। कंपाउंड्स ऑलवेज है फिक्स रेशो, कहाँ कंपाउंड्स जो है हम लोगों को फिक्स रेशो में हम लोगों को करनी पड़ती है, बाय मास मतलब वेट के हिसाब से, कि एक चीज़ उतनी लेगी तो एक चीज़ उतनी लेगी। लेकिन जो मिक्सचर में है उसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती, हम अपनी मर्जी से जितना मर्जी मतलब ना एलिमेंट ऐड करें, उसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती, किसी एलिमेंट का वेट जो मास है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर आगे है कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मीन, कंपाउंड्स है वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते फिजिकल मीन से। और जो हमारे पास मिक्सचर है, द कंपाउंड्स कैन बी सेपरेट बाय सिंपल फिजिकल मेथड, ये मैंने बताया था ना कि ये हमारे पास फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं। फिर हमारे पास है कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, इसमें होमोजीनियस आती है और मिक्सचर में होमोजीनियस भी आती है और हाइड्रोजीनियस भी आती है। दे मे हैव होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस इन कंपोजिशन। कंपाउंड्स हैव शेप एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, कंपाउंड्स को तो हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, शार्प होते हैं और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। जो मिक्सचर है डू नॉट शार्प होते हैं, मिक्सचर मतलब शार्प नहीं हो सकते, मिक्सचर कुछ भी मतलब चीज़ बन सकती है, जिस तरह रिएक्शन हो गए एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, और इसके फिर डू नॉट हैव मतलब ना इसके भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, इसके होते हैं।
ये आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है कंपाउंड और मिक्सचर में. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 पे ये है, उसके आगे ये है टेस्ट योर सेल्फ है 1.2 है. कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर एलिमेंट आर कंपाउंड आउट ऑफ फॉलोइंग. क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिक्सचर मतलब कोको कोला है, पेट्रोल है, ये सारी आप लोगों का टेस्ट योर सेल्फ है. ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आगे मैं आपको सोल्यूशन क्लास वर्क कराती हूँ. ये हमारे पास है, ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे दी और कहा है कि एलिमेंट आइडेंटिफाई करें, मिक्सचर आइडेंटिफाई करें और कंपाउंड आइडेंटिफाई करें. हम लोगों ने एलिमेंट्स भी पढ़े हैं, फिर कंपाउंड्स भी पढ़े हैं, फिर हम लोगों ने मिक्सचर भी पा लिया, अब इसका आइडेंटिफाई करें. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन यू जस्टिफाई द एयर, मतलब कैसे एयर जस्टिफाई करेंगे. फिर नेम द एलिमेंट, इसका इनका नेम लिखना है बिल्कुल टेबल में जा के सारा कुछ. नेम नेम अ सॉलिड लिक्विड एंड अ गैसेस, ये सारे हमारे पास क्वेश्चन है. फिर द एलिमेंट डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन, कौन से कंपाउंड कंटेन करेंगे हमारे पास. ये सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, अब हम लोग आगे जाएंगे इसके सोल्यूशन पे. आप लोगों क्लास असाइनमेंट है कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर. पहले हम लोग एलिमेंट की टेबल बनाएंगे, एक कंपाउंड लिखेंगे, एक साइड और मिक्सचर लिखेंगे. फिर ये सारे जो मिक्सचर है इसमें देखेंगे, ये एलुमिनियम सिलिकॉन और टिन है. एलिमेंट वाला हम टेबल में जाएंगे. आप लोगों को पता है कि एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, तो एलिमेंट्स हमें पता है कि सिलिकॉन जो है वो भी एलिमेंट है, टिन और एल्यूमिनियम भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं. अब कंपाउंड है शुगर, शुगर है वो हमारे पास जो हमारे पास शुगर है वो हमारे पास कंपाउंड है. मैं आपको दिखाती हूँ इस टेबल पे देखिए, ये कंपाउंड शुगर हमारे पास कंपाउंड है, मतलब दो चू शुगर भी ना दो तीन चीज़ों से मिलकर बनी है. ये CHO, एच हाइड्रोजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन, इस तरह सारा चेक करना टेबल. फिर हमारे पास है टेबल सॉल्ट है, सॉल्ट वो भी बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर, और लैम्प जो चूना है वो भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर. फिर हम लोगों ने मिक्सचर मतलब ना बहुत सारी चीज़ों का कंपाउंड है, दो चीज़ों को कम्बाइन किया तो फिर वो हमारे कंपाउंड बना. अब मिक्सचर है, कोकोला मिक्सचर है, पेट्रोलियम भी मिक्सचर है, ब्लड है वो भी मिक्सचर है. ब्लड कैसे मिक्सचर है, क्योंकि ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल पे मतलब ना डिपेंड करता है. फिर हमारे पास गन है, गन पाउडर है वो भी मिक्सचर है, यूरिन और फिर आइसक्रीम, ये भी आइसक्रीम वो सारी चीज़ों का मिक्सचर है. ये कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होते हैं, दो एलिमेंट को मिलके बने. मिक्सचर क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, एक चीज़ होती है, एक एलिमेंट हो जाते हैं. फिर जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट को लेके एलिमेंट और एलिमेंट दो एलिमेंट को लेके कंपाउंड बन जाते हैं. फिर कंपाउंड जो होते हैं, मिक्सचर जो होता है, वो एलिमेंट और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होता है, टुगेदर होती है. अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू क्लासीफाई द एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, आइडेंटिफाई सब्सटेंस प्रेजेंट इन एयर. मैंने इसका आंसर बनाया, जो एयर है ना वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है. पहले हमारे पास है जो एयर है ना होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन. हाइड्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस वेपर. ये हमारे पास आंसर ये है इधर से. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल गैसेज एंड वाटर वेपर्स. ये आप लोगों ने याद रखना है, क्वेश्चन करना है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग सिंबल. आप लोगों को पता है HgAU, ये सारे है सिंबल है और इसके नेम लिखने हैं. आप लोगों को सिंबल ही पता है, वो आप लोगों को जब मैं एलिमेंट पढ़ाया था तो आपको पूरा टेबल आप लोगों को मैंने मतलब ना दिखाया था कि इसमें ये है, इसमें ये, इसका ये है. तो आप लोगों ने ये याद करना है कि ये सिंबल है और ये इसके नेम है. जो मर्करी होता है वो HG होता है, AU गोल्ड होता है, Fe आयरन होता है, निकल होता है, जो को होता है वो कोबाल्ट होता है, जो हमारे पास W होता है वो टिंगस्टिन होता है, SN जो होता है वो हमारे पास टिन होता है, NA होता है वो सोडियम होता है, BA बैरियम होता है, BR ब्रोमीन होता है, फिर बिस्मथ. नेम फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम अ सॉलिड लिक्विड और गैस. ये सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताना है. हमें पता है जो आयरन होता है वो सख्त चीज़ होती है, गोल्ड भी सख्त चीज़ होती है, सिल्वर भी सख्त चीज़ होती है, वो हमारे पास सॉलिड आ गई है. अब हमारे पास जो लिक्विड है वो ब्रोमीन में आती है, और गैस है वो हमारे पास ब्रोमीन जो होता है वो हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो गैस है वो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. फिर हमारे पास है विच एलिमेंट डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन. अब ये हमारे पास है कंपाउंड है, एलिमेंट क्या क्या मिल के बने हैं कंपाउंड. शुगर है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जो कॉमन साल्ट है वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, जो लैम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और जो चाक है वो हमारे पास कैल्शियम कार्बन और
ऑक्सीजन से मिलके बना. नाउ योर डायरी इज लर्न द रीडिंग एंड क्लास वर्क इज ओरल टेस्ट. जो क्लास वर्क होगा साथ साथ आप लोगों ने नोट आउट करना है. जो टेस्ट शीट सेल 1.1 करा लिया तो उसके आगे टेस्ट शीट सेल 1.2 के आगे करना है, सारा काम करना है. और आप लोगों ने साथ साथ तैयार भी करना है क्योंकि वेकेशन के बाद आपके लोगों के पेपर्स होगी फर्स्ट टाइम. फिर उसमें आप लोगों के क्या सिलेबस है, आप लोगों के पहले 3 चैप्टर आएंगे, साथ साथ तैयारी होगी तभी 3 चैप्टर साथ होगी. आई होप यू अंडरस्टैंड योर क्लास वर्क, डू योर होम टास्क विद फुल कंसंट्रेशन. आई विल चेक योर होम टास्क टुमारो. अल्लाह हाफिज़. सब्जेक्ट इन चार्ज मिस नबीला. स्टे होम स्टे सेफ.